भिंड जिले की अटेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया के द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। अटेर से भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री हैं। गौरतलब है कि मंत्री अरविंद भदौरिया ने 17 अक्टूबर को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मीरा कॉलोनी भिंड में क्षेत्र की जनता एवं कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना एवं निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने फोटो भी पोस्ट किया, जिसमें उनके साथ पंचायत सचिव दशरथ यादव भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी फेसबुक पोस्ट और फोटो को आधार बनाकर हेमंत कटारे ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया की शिकायत चुनाव आयोग से की है। चुनाव आयोग के लिखे पत्र में हेमंत कटारे ने भाजपा प्रत्याशी पर आम मतदाताओं को लुभाने तथा अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए निर्देशित करने और चुनाव को प्रभावित कराने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, इन्होंने 17 अक्टूबर को अपने घर निज निवास मीरा कॉलोनी पर एक मीटिंग बुलाई, जिसमें इन्हें अपने पद का दुरुपयोग करके कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देशित किया। जबकि आचार संहिता लगने के बाद और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, उसके बाद आप इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकते जिससे कि जनता पर विपरीत असर जाए। न सिर्फ इनने कर्मचारियों को निर्देशित किया, अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया, बल्कि इन्होंने उस चीज को फेसबुक से पोस्ट डाल के जनता में भी ये मैसेज दिया अपने 99,000 फॉलोअर्स को कि वो इस तरीके का दबाव बनाने का काम अधिकारियों और कर्मचारियों को कर रहे हैं, जिसका एक विपरीत प्रभाव आम जनमानस और आम मतदाताओं पर पड़ा है। यह कार्य स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के